क्वेश्चन इज द सम ऑफ मनी दैट यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ फोर ट्वेंटी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एट फाइव परसेंट पार एन इज़ हाउ मच तो क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि कितना सम ऑफ मनी हमें सेकेंड ईयर में फोर ट्वेंटी रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट देगा फाइव so, परसेंट पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है फाइव परसेंट पार एन सो इसकी फ्रैक्शन होती है वन बाई ट्वेंटी सो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल को ले लूँगा ट्वेंटी का स्केयर दैट मीन्स फोर हंड्रेड यूनिट्स अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो ये होगा फोर हंड्रेड का फाइव परसेंट दैट मीन्स वन बाय ट्वेंटी एंड वन बाय ट्वेंटी सो यहाँ से फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा ट्वेंटी एंड सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा ट्वेंटी ना हो यहाँ से अगर मैं इसका अगेन वन बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा वन सो यहाँ से सेकेंड ई ईयर का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है ट्वेंटी वन यूनिट्स सो इसी ट्वेंटी वन यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है रुपीज़ फोर हंड्रेड ट्वेंटी अगर यहाँ से वन यूनिट की वैल्यू फाइंड करें ये आएगा ट्वेंटी रुपीज़ सो so, हमारे पास प्रिंसिपल है फोर हंड्रेड so, यूनिट्स सो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा आएगा एट थाउजेंड रुपीज़ सो so, प्रिंसिपल हमारा आ रहा है एट थाउजेंड रुपीज़ सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री